नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर लगातार सामने आ रही है। 10 दिनों में यह दूसरा वाकया है जब हिंदू धर्मस्थल पर हमला किया गया हो। ताजा मामला कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी का है। सैक्रामेंटो माथेर एयरपोर्ट के साउथ में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में बुधवार को हिंदू विरोधी नारे लिखे गए। उपद्रवियों ने हिंदू वापस जाओ लिख दिया। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी आपत्तिजनक शब्द लिखे देखे गए। स्थानीय अधिकारियों को जब इस बात की जानकारी हासिल हुई तो उन्होंने मौके पर जाकर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि मंदिर से जुड़ी पाइपलाइंस को भी काट दिया गया। इससे पहले न्यूयॉर्क में भी स्वामी नारायण मंदिर में ऐसी ही घटना सामने आई थी। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बैप्स पब्लिक अफेयर ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीते 10 दिनों में न्यूयॉर्क, सैक्रामेंटो और सीए क्षेत्रों में हमारे मंदिरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कल रात भी हिंदू विरोधी नारे लिखकर अपवित्र करने की पूरी पूरी कोशिश की गई और इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सैक्रामेंटो काउंटी के सांसद एमी बेरा ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, सैक्रामेंटो काउंटी में धार्मिक कट्टरता और घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं हमारे समुदाय में बर्बरता के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। हम सभी को असहिष्णुता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समुदाय में हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। और इस घटना के बाद अमेरिका में मौजूद भारतीय समुदाय में गुस्से और डर का माहौल लगातार बना हुआ है। भारतीय मूल के अमेरिका सांसद आरो खन्ना ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में बैप्स हिंदू मंदिर में रात भर हिंदू विरोधी नारे लगाकर तोड़फोड़ की गई और ऐसे में न्याय विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि इस तरह की नफरत के लिए जिम्मेदार लोगों को पहचानना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।